ठीक है, तो बेकिंग सोडा इज बेसिकली NaHCO3। इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इसके प्रिपरेशन में चार चीजें लगती है, इसके प्रिपरेशन में चार चीजें लगती है। सुनो, सोडियम का कंपाउंड है ना, तो हमेशा NaCl तो लगेगा ही लगेगा। सोडियम का कंपाउंड है ना, तो हमेशा क्या लगेगा? NaCl, क्योंकि सोडियम का जो सबसे अबंडेंट सोर्स होता है नेचर में, वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो एक तो सोडियम क्लोराइड लगेगा NaCl। दो कॉमन चीजें लगेगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। दो कॉमन चीजें लगेगी कौन सी? एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। बचा कौन? अमोनिया। बचा कौन? अमोनिया। तो अगर आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है, अगर आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है, तो चार चीज लगेगी। कौन सी? पहला NaCl, दूसरा वाटर, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा अमोनिया। ठीक है, अब बनाना क्या था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बनेगा भी क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखो क्या क्या लिया। हमने लिया NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और एक्स्ट्रा क्या याद रखना है? अमोनिया। और बनेगा क्या? NaHCO3, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, क्लियर है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सबसे पहला कौन सा होता है? एज एन एंटासिड। एंटासिड मतलब क्या होता है? जो हमारे स्टमक में जब एसिडिटी हो जाती है, तो जो दवाइयां लेते हैं जिससे हमारे स्टमक में एक्सेसिव एसिड क्या होता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। वो दवाइयां जिससे हमारे स्टमक में प्रेजेंट एक्सेसिव एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है, उन दवाइयों को हम लोग क्या कहते हैं? एंटासिड कहते हैं। क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा बेसिक सॉल्ट होता है। कैसा सॉल्ट होता है? बेसिक सॉल्ट होता है। तो ये क्या करता है? एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। दूसरा, ये कहाँ काम आता है? बेकिंग में, केक बनाने में, पकौड़े बनाने में। तो जब आप क्या करते हो, NaHCO3 यानी कि बेकिंग पाउडर को या बेकिंग सोडा को हीट करते हो, तो क्या बनता है? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, इसकी वजह से वो जो केक्स और पकौड़े रहते हैं, ये सारे फूल जाते हैं या राइज होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होते हैं? सिर्फ फ्लफी और स्पॉन्जी बनते हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन होता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है? हम क्या पढ़ रहे हैं? बेकिंग सोडा। हम क्या पढ़ रहे हैं? बेकिंग सोडा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? बेकिंग पाउडर क्या आता है? तो हम लोग बोलते हैं, बेकिंग पाउडर इज बेकिंग सोडा प्लस सम वीक एसिड लाइक टार्टरिक एसिड, प्लस सम वीक एसिड लाइक टार्टरिक एसिड। बेसिकली बेकिंग सोडा है, बेसिक सॉल्ट है, तो इसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर, कड़वा। ठीक है, तो जिस भी चीज में डालेंगे वो इवेंचुअली उसका टेस्ट कैसा हो जाएगा? बिटर हो जाएगा। और इस चक्कर में क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं? टार्टरिक एसिड डालते हैं, जिससे उसका बिटरनेस थोड़ा सा क्या हो जाए? न्यूट्रलाइज हो जाए। इसका तीसरा इंपॉर्टेंट यूज होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। पुराने जमाने में जब फायर एक्सटिंग्विशर्स आते थे, तो उसमें क्या होता था, नीचे बेकिंग सोडा भरी होती थी और ऊपर एसिड भरा होता था। आप जैसे ही उसका नॉब प्रेस करते थे, तो वो एसिड की बॉटल क्या होती थी? फूट जाती थी। और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किससे मिल जाता था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। और जब ये रिएक्शन होती थी, तो क्या प्रोड्यूस होता था? NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता था, क्योंकि हैवियर देन एयर है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हैवियर देन एयर, तो ये क्या करता था? ये क्या करता था कि जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसको कवर कर लेगा, ताकि उसका ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट छूट जाए और आंख क्या हो जाए? बंद हो जाए। इज दैट क्लियर? वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब होता है 10, हाइड्रेट मतलब होता है वाटर। तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके अंदर रहते हैं। अब सुनो, सोडियम कार्बोनेट बनाने में कोई मेहनत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तुम ऊपर देखोगे कि जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते थे या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो, तो आपके पास क्या बन जाता है? सोडियम कार्बोनेट। तो कुछ नहीं करना है आपको, मेहनत किसमें करनी है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने में। उसको आप हीट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। देखो कुछ नहीं करा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने हीट किया, तो हमारे पास क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें
कौन बचा? पानी के 10 मॉलिक्यूल्स कौन बच गया? पानी के 10 मॉलिक्यूल्स, तो 10 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड कर दिए, तो ये क्या बन गया? Na2CO3.NH2O। अब वॉशिंग सोडा कहाँ कहाँ काम आती है? तो हमने कहा सबसे पहली बात तो क्या, सोप और डिटर्जेंट दोनों में वॉशिंग सोडा डलती है, ठीक है। उसके बाद टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम वॉटर, हार्डनेस मतलब होता है खारा पानी, खारा पानी मतलब जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, तो ऐसे पानी में झाग नहीं बनती, फोम नहीं बनता। तो आप कपड़े वपड़े धोते हो ना तो वो साफ नहीं होते। जो बोरिंग का पानी रहता है वो जनरली क्या होता है, हार्ड वाटर होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें अगर हम लोग वॉशिंग सोडा डाल देते हैं तो पानी सॉफ्ट हो जाता है, मतलब उसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट साइड होकर उसकी जगह सोडियम के सॉल्ट आ जाते हैं, ठीक है। और तीसरा रहता है सोडियम के कंपाउंड, जैसे कि ग्लास, बोरेक्स, ये सब बनाने के भी कौन काम आता है? सोडियम कार्बोनेट, या फिर क्या, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, इज दैट क्लियर? हाँ ये बहुत इजी है। सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम में हमको दो चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, या फिर इसको कहते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम। लाइम होता है CaO, अगर तुमको थोड़ा सा याद हो तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, क्विक लाइम में CaO, तो CaO में अपन लोग क्लोरीन ऐड कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोराइड ऑफ लाइम, ठीक है। तो क्लोराइड ऑफ लाइम इज नथिंग बट ब्लीचिंग पाउडर, आ रही बात समझ में? ये पेल येलो कलर का होता है, इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर तुम्हें याद हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्लेक्ड लाइम, याद है हम लोगों ने लाइम हाँ वाटर टर्न मिल्की की पूरी स्टोरी करी थी, तो उसमें हम लोगों ने कहा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्लेग लाइम होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्लेग लाइम होता है। और जब इसमें हम लोग क्लोरीन गैस ऐड करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, क्लोरीन गैस ऐड करेंगे, तो क्लोरीन गैस ऐड करने पे हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस वाटर, क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस वाटर। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इज बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर है तो किस काम आएगा, कॉटन को ब्लीच करने में आएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर ब्लीच करने में आएगा पेपर इंडस्ट्री में, डिसइंफेक्टेंट होता है क्योंकि क्लोरीन गैस की प्रॉपर्टी होती है वो सारे जर्म्स को मार देती है, ठीक है। तो जो तुम लोग बहुत बार स्विमिंग पूल में रहता है क्लोरीन गैस डालते हैं, या तुम्हें पानी मतलब तुम्हारे घर का जो भी बाल्टी भर के पानी रहता है उसमें भी आप ब्लीचिंग पाउडर डालोगे ना, तो आपको सारी मिट्टी उसमें सेटल होते हुए दिख जाएगी, ठीक है ना। और लैब में ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है, क्लियर। सो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है, CaO Cl2, इसको हम लोग प्यार से कहते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम। क्लोराइड ऑफ लाइम इज लाइम इज CaO। ये बनता कैसे है, स्लेग लाइम में जब हम लोग क्लोरीन गैस पास करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा CaO Cl2+H2O। और इसके यूजेस क्या क्या है, कॉटन को ब्लीच करना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर को ब्लीच करना पेपर इंडस्ट्री में, एज एन डिसइंफेक्टेंट यूज होता है, और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लैब यूज होता है। POP इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, केमिकली क्या होता है ये, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट मतलब होता है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग जिप्सम को, जिप्सम है CsO4.2H2O, इसको हीट करते हैं 373 केल्विन पे। बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि टेम्परेचर 373 केल्विन से ऊपर ना जाए, क्योंकि अपन को इसमें से ये जो दो है ना, दो इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल उड़ाना है, बाकी हाफ मॉलिक्यूल रखना है। अगर ये वाला हाफ भी उड़ जाएगा तो सिर्फ हमारे पास सूखा, सूखा मतलब होता है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बनता है जो किसी काम का नहीं होता, उसे हम लोग कहते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर। क्या कहते हैं, डेड बर्न्ट प्लास्टर, ठीक है। तो हम लोग जब जिप्सम को हीट करेंगे, यानी कि CsO4.2H2O को हीट करेंगे, कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे, तब बनेगा CaSO4.5H2O, और 1.5 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। और हमें ध्यान रखना है कि टेम्परेचर इससे ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर ड्राई CsO4 बना वो किसी काम का नहीं रहता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेड बर्न्ड प्लास्टर, ठीक है। जब प्लास्टर को सेट करवाना रहता है तो हम लोग CsO4 यानी कि POP में वापस पानी डालते हैं, और वापस पानी डाल के इसको धीरे 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 सुखाते हैं, जितना धीरे 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 ये जिप्सम बनेगा, जितना धीरे 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 ये वापस जिप्सम बनेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रहेगा, क्लियर है।
कहाँ कहाँ काम आता है पीओपी? तो बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स बनाने के काम आता है, घर में आर्टिफिशियल सीलिंग्स बनाने के काम आता है, डेंटिस्ट्री में काम आता है नकली दांत बनाने के लिए, आर्टिफिशियल टूथ बनाने के लिए, फ्रैक्चर्ड बोन्स को जगह पे रखने के लिए काम आता है, ठीक है। और लैब में अगर मुझे कोई अपैरेटस को एयर टाइट बनाना है कि इस अपैरेटस में एयर नहीं जाए, तो उसके लिए भी कौन काम आता है? पीओपी। अब हम लोगों ने पीओपी भी पढ़ा, हम लोगों ने वॉशिंग सोडा भी पढ़ा। वॉशिंग सोडा में पढ़ा 10H2O, पीओपी में पढ़ा ½H2O। तो ये डॉट लगा के हम लोग H2O के मॉलिक्यूल लगाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये बेसिकली क्या होता है, किसी भी सॉल्ट के स्ट्रक्चर में वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सेट हो जाते हैं। किसी भी सॉल्ट के स्ट्रक्चर में क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल सेट हो जाते हैं, जिससे वो जो सॉल्ट रहता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। जिससे वो जो सॉल्ट होता है उससे क्या चेंज हो जाती है? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। जैसे CuSO4 में अगर 5 मॉलिक्यूल वाटर के आ गए तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। नॉर्मली अगर उससे पानी नहीं रहेगा तो वो कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर का। FeSO4 में अगर 7 मॉलिक्यूल पानी के आ जाते हैं तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। नॉर्मली वो कौन से कलर का रहता है? पेल व्हाइट कलर का रहता है। इज दैट क्लियर? तो सुनो, क्या पढ़ा? फिज इंडिकेटर्स पढ़े सारे के सारे, नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़े, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पढ़े और सिंथेटिक इंडिकेटर्स पढ़े, ठीक है। फिर तुम लोगों ने एसिड के 5 रिएक्शन देखे, मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, बेस के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल बायकार्बोनेट के साथ। फिर हम लोगों ने जो तीसरी चीज देखी वो हमने देखी पीएच क्या होता है, पीएच एवरीडे लाइफ में कैसे काम आता है। फिर हम लोगों ने देखा सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। 4 तरह के सॉल्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने 5 सॉल्ट देखे, या रादर बोले सबसे पहले देखा NaCl। NaCl से कॉस्टिक सोडियम बनता है, वॉशिंग सोडा भी बनता है और बेकिंग सोडा भी बनता है। इसके अलावा हमने कैल्शियम के 2 सॉल्ट देखे, कौन से? पीओपी और ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा? वाटर और क्रिस्टलाइजेशन। ओके।